निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें लेबर है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, SC ST माइनॉरिटी, PRI, रेवेन्यू, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट है, हेल्थ है, CIT है, लॉ है। अगेन सेक्शन 7 अगर चैप्टर 7 अगर स्टार्ट देखते हैं सेक्शन 7, तो उसमें अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कमीशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNICEF जो काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ट्रेड यूनियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बाद NGOs एंड CSOs और मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मीडिया कैसे पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग आउट फोटोग्राफ्स रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन, दे शुड टॉक मोर ऑन द इशू, हाउ वी कैन डू इट, हाउ कैन एक्चुअली हम कैसे अपने विजन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, मीडिया या फिर मीडिया का इस्तेमाल अगर हम वहाँ करते हैं, अवेयरनेस के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 8 में बात करते हैं हम लोग टास्क फोर्स, जो स्टेट लेवल की टास्क फोर्स होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स होगी, ब्लॉक लेवल की और पंचायत लेवल की होगी। अभी हम लोग जो JJAC में और ICPS के अंतर्गत इसी तरह की कमिटीज बनाए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट में 2012 से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमिटीज की बहुत डिस्ट्रिक्ट में बैठक ही नहीं हुई जो रिव्यू करेंगे पूरे दिन। सो सर सही बोल रहे थे, हम लोग के पास बहुत सारे लिखने में हम लोग सब विद्वान हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम लोग एकदम जीरो हो आते हैं। तो हम कैसे इसको इस टास्क फोर्स को मे बी हम सिंक इन कर सकते हैं दूसरे कमिटीज के साथ, या हम जो बैठक होगी हम बात कर सकते हैं कैसे इस बैठक को कराया जा सके, तो इस एक्शन प्लान में हम लोग इसको फोकस कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फोकस एरियाज हैं सेक्शन 9 में, वो फोकस एरियाज है एक्चुअली जो कम्युनिटी में हम कैसे कम्युनिटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, जो जो चाइल्ड लेबर्स को खत्म कर सकें। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स की, और पार्टनरशिप विद CSOs या NGOs की बात कर रहे हैं, वो एक अदर अनदर स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस अगर इसको हम करते हैं तो किस तरह से करेंगे, जो एजुकेशन अगर अच्छी मिलती है, जो सर बोल रहे थे किलकारी में जो मॉडल है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस तरह की चीज़ें को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का जो वो है हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, ये इस डिपार्टमेंट से सहयोग करके हम कैसे काम कर सकते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन एंड फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, ये हम लोगों की जो स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया है, इस चीज़ को हम कैसे एक्शन प्लान में डाल के जो सस्टेनेबल हो सकती है, हम लोग ज़्यादा नहीं करके जो हम कर सकते हैं उतना ही की बात करेंगे इसमें। एंड फाइनली नोडल डिपार्टमेंट्स इसमें डिफाइंड है, जो नोडल डिपार्टमेंट्स कौन होंगे इस एक्शन प्लान के अंतर्गत, फिर नोडल ऑफिसर्स कौन होंगे उसका सेक्शन 12 में बात की गई है, और सेक्शन 15 में बात की गई है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की, अगर ये एक्शन प्लान बनती है इसको हम मॉनिटर करेंगे, उसकी मेथडोलॉजी पर बात की गई है। तो शायद दिन भर हम लोगों के पास पर्याप्त समय है, और शायद लगभग डिपार्टमेंट्स हम लोग साथ बैठे हुए हैं, तो हम समझते हैं जो शाम तक शायद जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आएंगे शाम में, तो वो जो ओवरव्यू करेंगे तो शाम में कुछ हम लोग कुछ इसमें ऐड करके उनको दे सकते हैं, जो दिन भर हम लोग जो मेहनत किए सारे डिपार्टमेंट मिलके, शायद हम लोग कुछ फ्रूटफुल बना सकें हम। थैंक यू।